आजकल महिलाएं जैसे मिडिल एज में पहुंच रही हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां और कई सारे स्किन प्रॉब्लम का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाएं या तो सर्जरी करवा रही हैं या अलग प्रकार के इंजेक्शन लेके इसे ठीक करवा रही हैं। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करके बताएंगे कि बिना सर्जरी किए और बिना इंजेक्शन लिए एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में जिसे कराकर आप नेचुरली सुंदर बन सकते हैं। इस ट्रीटमेंट का नाम है हाइफू। हाइफू करवाने के बाद आपकी स्किन की झुर्रियां दूर हो जाएगी और आपकी स्किन ब्राइटनिंग भी करेगी। तो चलिए डॉक्टर से बात करके जानते हैं कि आखिरकार ये हाइफू ट्रीटमेंट क्या है और इस ट्रीटमेंट को करवाने में कितने रुपए खर्च होंगे। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर कांक्षा जैन है। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ एट एलेंटिस एस्थेटिक्स और 20 इयर्स इस फील्ड में हूँ एज एस्थेटिक फिजिशियन एंड एक्सपर्ट इन इंजेक्टेबल्स। मैम आपसे एक सवाल था कि आजकल लोग मतलब गोरे होने के लिए और भी ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए आजकल सर्जरी बहुत चल रही है या इंजेक्शन से वो बहुत चल रहा है, लेकिन ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जो बिना सर्जरी के ही लोग सुंदर बन सके? बिल्कुल है, बहुत नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं जिनको आप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि लग्जरी इज़ बाय योर चॉइस, मतलब ब्यूटी इज़ बाय योर चॉइस, तो ये लग्जूरियस चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप अपने स्किन को बेटर रखना चाहते हैं सो आई विल प्रेफर मेडिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। सो मेडिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं? आप फेशियल कराने सलोन में जाते हैं, पार्लर में जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बैड, दे आर टेम्प्ररी, ठीक है। इससे बेटर ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रोसीजर मेडिकल कंडीशन के साथ या मेडिकल एक्सपर्टीज के साथ करवाते हैं वो आपको बेटर रहता है। जैसे एग्जाम्पल एंटी एजिंग प्रोसीजर्स बहुत इन है। एंटी एजिंग प्रोसीजर्स में सबसे अच्छा नाम आता है हाइफू का, और ये बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड मशीन। ये बेसिकली क्या करती है, स्किन के अंदर जैसे एक तरह से हम उनसे शॉर्ट्स देते हैं, देर इज अ शॉर्ट्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग इनसाइड आपके स्किन में जाती हैं, देर इज अ शॉर्ट प्रोसेस, वो शॉर्ट दिया जाता है और आपकी स्किन में एक बाउंस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सो वो अंदर जाके जो आपका कॉलेजन एक एजिंग पे जाके खत्म होने लगता है, उस एजिंग प्रोसेस को वो वापस से रिन्यू करते हैं, उस कॉलेजन को नया बनाने की कोशिश करते हैं, पुराने जो हैं उनको स्ट्रेटन करती हैं, टाइटन करती हैं, और जो नए हैं उसको न्यू कॉलेजनेसिस की इनिशिएशन करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं, ताकि इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। इट इज अ नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर जो ऊपर से ही आपकी स्किन में होता है, और विदिन 3 to 4 सेशंस यू विल सी योर स्किन गोइंग अप। मैं ये नहीं कहती कि सर्जरी के जैसे बैलेंस कर सकता है, नहीं, लेकिन कोई नेचुरली एज होना चाहता है बट उसकी स्किन एज से ज्यादा लटक गई है तो वो इस प्रोसेस को कर सकता है ताकि वो नेचुरल एज एंटी एजिंग का काम कर सके। तो स्पेशली मतलब ब्राइटनिंग का, जो झुर्रियां दूर करने का, ये सब कुछ, जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, उनको चला काफी हद तक इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड रेजेस भी अपने आप में एक डिटॉक्सिफिकेशन रेजेस है, तो अंदर से आपके जितने पिगमेंट्स होते हैं उनको भी वॉश ऑफ करता है, प्लस वो एक शेप भी देता है कि फैट जो आपका एक्स्ट्रा फैट जमा है तो आपके फेस को एक शेप भी देगा। जैसे क्योंकि टाइटन होगा तो स्किन डेफिनेटली लिफ्ट होगी, तो अपने आप ही आपको एक अच्छा सा शेप मिलता है फेस का। सो वो एक नेचुरल बट स्लो प्रोसेस है, एंड बहुत से लोग, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा फिलर्स के लिए नहीं जाना चाहते, तो दे डू दिस दिस यस। इसका एक एडवांस वर्जन भी है, जैसे मैं बता रही थी कि अल्ट थेरेपी करके उसका नाम है, अल्ट थेरेपी यस। जैसे हाइफू में यू टेक 4 to 5 सेशंस एक साल के अंदर, जिसमें आपका फेस एक अच्छे कोलेजन को जनरेट करता है और आपकी स्किन में एक अच्छी टाइटनिंग आती है। अल थेरेपी में वही चीज़ सिर्फ एक ही बार कही जाती है, एंड उसकी पावर इज लिटिल मोर हायर, बिकॉज वो थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड वेव्स, यू कैन सी किस लेवल पे इस अल्ट्रासाउंड वेव जा रही हैं और हिट कर रही हैं, यू कैन सी उसके मशीन में, यू कैन सी एज एन अल्ट्रासाउंड, सो वो बेटर रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा मतलब यंगर एज के लोग करवा सकते हैं या जो ओल्ड वुमेन या जो मिडिल एज में रहते हैं उन्हें करवाना चाहिए? मेरे हिसाब से मिडिल एज से ओल्डर एज वालों को ज्यादा कराना चाहिए, यंगर का रिक्वायरमेंट नहीं है उतना। यंगर के लिए और बहुत प्रोसीजर्स हैं जो वो उस टाइम से शुरू करेंगे तो कॉलेजन बिल्डिंग उनकी अच्छे से हो सकती है, बिल्कुल। सी वो मार्केट में बहुत सारी हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा चाइनीज कोरियंस भी बहुत आती हैं, ओरिजिनल भी है, तो अगर आप वेरी करना चाहते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15,000 to 35,000 पर सेशन। यस, हमारे पास जो प्रोसीजर है वो 35,000 है, बिकॉज हमारे पास ओरिजिनल
हम प्रॉपर तरीके से पैटर्न से कर रहे हैं, डॉक्टर खुद करते हैं ये प्रोसीजर, एंड इसमें 4-5 सेशन आपको लगते ही लगते। तो एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में कितना गैप रहता है? कम से कम 1 महीने का। एक महीने का बिल्कुल। तो इसे मतलब साल में इसका प्रोटोकॉल जो 4 सेशन का हम मानते हैं वो 3 सेशन 3 महीने में होते हैं, 1-1 महीने में, और जो चौथा सेशन होता है वो 6 महीने बाद होता है। टोटल फ्रॉम द स्टार्ट 6 महीने बाद सेशन होता है। तो ये कितने टाइम तक रहता है? 1-1.5 साल आप आराम से आपके स्किन को एक अच्छा टाइटनिंग फॉर्म में देख सकते हैं। बिल्कुल जी।